आज हम बनाएंगे इस तरह की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू, जो कि हर चीजों से भरपूर है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, कैल्शियम, जिंक, सभी चीजें इसमें मौजूद हैं और ये आपको बहुत सारे रोगों से बचाएगी भी। ये शुगर फ्री भी है, इसलिए डायबिटिक लोग भी इसका इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं और बनाना बिल्कुल भी आसान। तो इस तरह से इस लड्डू को अपने घर में बनाइए और खाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आजकल हमें इन्हीं सब चीजों की बहुत ही जरूरत है ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज ये लड्डू आपको इसी तरह का ये फायदा देगा, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट रखेगा और बहुत ही टेस्टी भी है खाने में और मजेदार भी। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से इस तरह की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू। चलिए हेल्दी लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे ये 1.5 टीस्पून हमने सौंफ लिया है, 1 टीस्पून ये काली मिर्च और 1 टीस्पून ये मेथी दाना। और अब इन सारी चीजों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसे आपको हल्का सा जब इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे तो आप इसे भूनकर निकाल लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि ब्लैक पेपर बहुत ही फायदेमंद चीज है, ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को हाई रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है और कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें है। इसलिए इन सब चीजों का इस्तेमाल मैं इसमें कर रही हूँ और हमारे ब्लड शुगर को भी इम्प्रूव करता है। और सौंफ तो आप सभी जानते हैं कि डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होती है और हमारे अस्थमा को रिड्यूस करता है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी चीजों में हमारी हेल्प करता है। और मेथी का तो इस्तेमाल हमेशा जब भी हम लड्डू बनाते हैं किसी भी तरह की, चाहे गोंद की लड्डू हो और दूसरी कोई भी लड्डू, उसमें हम लोग जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो मेथी भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी रिड्यूस करता है। तो चलिए देखिए भी हल्का सा रोस्ट हो गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम थोड़ी सी घी डालेंगे और इसमें हम अपने इस ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे जिसमें हमने अखरोट, काजू, बादाम इन सारी चीजों को डाला। तो अखरोट तो बहुत ही फायदेमंद चीज होती है और सारे ड्राई नट्स हमें जरूर खाने चाहिए। डेली इसका एक हेल्दी स्नैक भी है, जो कि हमें डेली इसका यूज एक लिमिट मात्रा में जरूर करना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही अधिक विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर्स होते हैं, तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करते हैं। इसे भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे, बहुत अधिक इसे आप जलाइएगा नहीं। देखिए इसे आप फ्लेम एकदम लो करके ही भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे बहुत जल्दी, काजू और ये सब जल जाते हैं। काजू आप जानते हैं कि हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए आप काजू का, बादाम भी बहुत ही फायदेमंद चीज है, इम्प्रूव करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन को, जरूर इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिए। और वॉलनट तो सभी जानते हैं, इसलिए वॉलनट का इस्तेमाल भी आप जरूर इन सब चीजों में। ये लड्डू बहुत ही मजेदार बनने वाली है और इन सारी चीजों से भरपूर है। तो ये लड्डू अगर आप रोज एक खाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे। इस समय हमें इन्हीं सब चीजों की बहुत ही जरूरत है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा पिस्ता है, इसे भी हम डाल देंगे। पिस्ता भी बहुत ही फायदेमंद चीज है, फाइबर होती है, प्रोटीन होता है। तो ये छोटे दाने हैं इसलिए मैंने लास्ट में इसमें डाला है ताकि ये जले ना। देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अभी भून चुके हैं, चलिए हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून थोड़ी सी घी डालूंगी और इसमें ये खरबूजे के बीज है, इसे हम डालेंगे। खरबूजे के बीज भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इसे भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। बहुत अधिक इसे जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये सोंधी सोंधी सी हो जाए। तो ये भी तल चुके हैं, चलिए ये भी निकाल लेते हैं हम। और अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे इस मखाने को, सॉफ्ट नट, और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हल्के से रोस्ट हो जाए। तो
और मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे रोस्ट कीजिएगा। तो मखाने बहुत ही फायदेमंद चीज होती है, ये कैल्शियम से भरपूर होती है, आर्थराइटिस में लोगों की बहुत ही हेल्प करती है ये। इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए फॉक्स नट्स का आप इस्तेमाल जरूर, मखाने का इस्तेमाल कीजिए अपने घर में। हमारे बोन्स को टूथ को ये बहुत ही मजबूत बनाते हैं। इस तरह से आप इसे हल्का सा रेडिश भून लीजिए। तो देखिए अब हमारे मखाने भी भून चुके हैं। चलिए हम फ्लेम को अब ऑफ करते हैं और थोड़ा सा इन सब चीजों को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं रोस्ट की हुई, अब देखिए सब थोड़ी ठंडी हो चुकी है और एक एक करके अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इस मसाले की तो हम फाइन पाउडर बनाएंगे, इसको भी ग्राइंड करेंगे हम खरबूजे के बीज को, और इसको भी थोड़ा दरदरा हम ग्राइंड कर लेंगे और मखाने को भी। तो चलिए एक एक करके अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। और ये स्वीट्स मैं जो लड्डू बनाऊंगी ये शुगर फ्री है, तो इसे मैं आज बना रही हूँ डेट्स के साथ। तो ये खजूर के साथ मैं बना रही हूँ, इसमें से बीज मैंने निकाल लिया है। तो इस डेट्स को भी, एक बाउल हमने डेट्स लिया है, ये लगभग 200 ग्राम होंगे, और इसे भी हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेट्स को मिक्सी में डालते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये डायबिटिक लोग भी इस लड्डू को खा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और कोई भी नुकसान उन्हें नहीं करेगा और बहुत हेल्दी भी रहेगा। अगर आपको इसे ग्राइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस ढंग से खजूर को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे आप एक बाउल में निकाल लीजिए जिसमें हम अपनी सारी चीजों को मिलाएंगे। तो एक बड़ा सा बाउल में लेती हूँ और इसमें हम इसे निकाल लेंगे। अब इसमें हमने जो ये मसाले पीस ग्राइंड किया इसे भी डाल देंगे, सौंफ, मेथी, इन सब चीजों को, ये खरबूजे के बीज, और अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को। और अब इस मखाने को भी देखिए हमने ग्राइंड कर लिया, इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ये 3-4 हरी इलायची है जिसे हमने क्रश करके लिया है, ताकि इससे टेस्ट इसका और भी बढ़ जाएगा। अब आइए इन सारी चीजों को हम आपस में मिला लेते हैं। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, और अब आप हाथों में थोड़ा सा घी लगाइए और इसके लड्डू आप बना लीजिए। तो आप छोटी बड़ी जैसे भी लड्डू बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लड्डू बनाइए। देखिए इस ढंग से हमने इस लड्डू को बना लिया है। ये बहुत ही बढ़िया लड्डू है, आपको पूरी एनर्जी देगी और खाने में तो इतनी टेस्टी, और शुगर फ्री लोग भी इसे खा सकते हैं क्योंकि शुगर फ्री है, डायबिटिक लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से आप बना बना कर लड्डू को रखते जाइए। तो देखिए इस ढंग से हमारी सारी लड्डू बनकर रेडी है। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इस तरह के लड्डू बनाइए अपने घर में, और इसका जरूर आप इस्तेमाल कीजिए, और अपने पूरे परिवार को इसको खिलाइए और सबको सेफ रखिए, ताकि एक ही बार में आपको बहुत सारी चीजों की, फायदेमंद चीजों की आपको उसके बेनिफिट भी मिलेंगी इस तरह से। क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ चीजें खाते हैं कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो इस तरह से आपको एक लड्डू में बहुत सारी चीजें भी मिल जाएंगी, और इस तरह से आसान भी है, बनाकर रख दीजिए और हमेशा एक खाते रहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सबके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और सभी लोग भी इसका फायदा उठा सके और अपने घर में जरूर बनाएं। और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज उनके नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुंचे और वो इसे बनाएं और इस्तेमाल करें। और सभी लोग सेफ रहिए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, टेक केयर। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, इसे बच्चे से बूढ़े तक सभी लोग इसका इस्तेमाल आराम से खा सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी भी है। तो इस ढंग से लड्डू को बनाइए और अपने घर में इसका इस्तेमाल कीजिए।